बहुत सारी डिवाइस के लिए HyperOS का जो अपडेट है रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। नाउ जो क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या HyperOS में अपडेट करना सही होगा? शुड यू अपग्रेड टू HyperOS? क्योंकि MIUI के साथ जो अपडेट हिस्ट्री है इतना बढ़िया नहीं था, परफॉर्मेंस के रिलेटेड इशू देखने को मिला, बहुत सारी फीचर्स अपडेट होने के बाद काम नहीं करता था, बहुत सारी फीचर्स रिमूव हो जाता था अपडेट होने के बाद, प्लस हीटिंग इशू, बैटरी ड्रेन का जो इशू है MIUI के साथ, MIUI अपडेट के साथ देखने को मिलता था। तो क्या HyperOS में अपडेट करने के बाद इस तरह की कोई इशू देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात कर लेते। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते HyperOS के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम होगा, कोई भी नया अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो बैटरी कैलिब्रेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप HyperOS में अपडेट करते हो, एटलीस्ट आपका जो डिवाइस है उसे 1 वीक यूज करो, उसके बाद जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बैटरी कैलिब्रेट हो जाएगा, तो आपको जो है बेहतरीन बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। अगर 1 वीक के बाद आपको ज्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू MIUI 14, तो आप जो है सिंपली जो है एक बार फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो। फैक्ट्री रिसेट करने से जो है ऑलमोस्ट सभी जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल जो है HyperOS के साथ बैटरी ड्रेन के रिलेटेड और बैटरी बैकअप कम देखने को मिल रहा है, इस तरह की कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस के साथ जो है बैटरी ड्रेन ज्यादा हो गया है, तो आप सिंपली जो एक बार फैक्ट्री रिसेट कर दो। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद ये जो इशू है डेफिनेटली बैटरी ड्रेन का जो इशू है फिक्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैग के बारे में। नया अपडेट इंस्टॉल किया, नया अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जो लैग देखने को मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो लैग है तो सिंपली जो है प्ले स्टोर में जाके जितने भी एप्लीकेशन है सभी को जो है लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हो। सिस्टम ऐप अपडेट के साथ भी लेटेस्ट सिस्टम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और सभी एप्लीकेशन का जो है क्लियर कैश है, क्लियर डेटा कर सकते हो। उसके बाद जो लैग है फिक्स हो जाना चाहिए। अगर फिर भी लैग फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली जो है फॉर्मेट डेटा ही करना होगा और फैक्ट्री रिसेट करना होगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेते गेमिंग के बारे में, HyperOS के साथ गेमिंग के साथ क्या इशू है? फिलहाल जो है HyperOS के साथ और MIUI 14 के साथ जो है गेमिंग के रिलेटेड सेम आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी यहाँ पर जो है इशू फिलहाल रिपोर्ट नहीं किया गया है। जिस तरह से आपको MIUI 14 के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस है, सेम गेमिंग एक्सपीरियंस आपको जो है HyperOS के साथ फिलहाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पर्सनली मेरा जो यूजर्स है HyperOS के साथ, MIUI 14 से ज्यादा स्मूथ मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर ज्यादा लैग देखने को नहीं मिल रहा है, प्लस जो यहाँ पर रैम मैनेजमेंट है थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है, बट और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की बाकी है। बाकी यहाँ पर जो एनिमेशन है काफी स्मूथ देखने को मिल रहा है HyperOS के साथ। एंड यहाँ पर गेमिंग के साथ फिलहाल जो है अभी कोई भी इशू हम नोटिस नहीं कर पा रहे, MIUI 14 जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है गेमिंग के साथ। डेफिनेटली अगर आपको जो है HyperOS में अपडेट करने के बाद गेमिंग के साथ अगर आपको कोई भी इशू देखने को मिलता है, मान लेते हैं जो यहाँ पर ज्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है और जो लैग हो रहा है, फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, तो अगेन आपको सिंपली यहाँ पर जो है फैक्ट्री रिसेट करना होगा। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद जो है गेम को फिर से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फिर से आप जो है यहाँ पर खेल पाओगे, तभी जो है यहाँ पर गेमिंग के साथ अगर कोई लैग है, कोई इशू है, तो फिक्स हो जाएगा। बाकी अगर बात करें MIUI 14 से यहाँ पर HyperOS के साथ जो है UI के ऊपर कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है चेंज हो गया है, प्लस यहाँ पर जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है HyperOS के साथ, इसे भी आप जो है चेकआउट करके देख सकते हो। एंड कुछ फीचर्स जो है वो भी यहाँ पर रिमूव हो गया है HyperOS के साथ, ये चीज हमने नोटिस किया है। जो फीचर्स रिमूव हो गया है उसे सिंपली यहाँ पर जो है HyperOS के साथ जो आप सिंपली यूज नहीं कर सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में देना होगा। तो आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हो HyperOS के साथ जो कौन कौन से फीचर्स रिमूव हो गया है, तो आपको अलग से आपके डिवाइस के लिए पता चल जाएगा। नाउ मेरा जो ओपिनियन है, सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी HyperOS में अपडेट कर चुके हैं तो आपका जो
एक्सपीरियंस आप जरूर से कमेंट करके शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप हाइपरओएस के साथ अपडेट करने के बाद कोई भी बैटरी ड्रेन इशू, हीटिंग इशू और गेमिंग के साथ कोई इशू, इस तरह के अगर कोई परफॉर्मेंस के रिलेटेड इशू भी है, तो आप सिंपली एक बार फैक्ट्री रिसेट करके देखो। फैक्ट्री रिसेट करने के बाद जो है अपडेट, तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद डेफिनेटली एक बार फैक्ट्री रिसेट करना होगा। फैक्ट्री रिसेट करने से जो यहाँ पर हाइपरओएस से और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपको कोई भी बैटरी ड्रेन का जो इशू है, गेमिंग का जो इशू है और हीटिंग का जो इशू है, इवन परफॉर्मेंस का जो इशू है, देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड मैं पर्सनली जो चीज़ को फॉलो करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर अपडेट आते ही जो है नया अपडेट को इंस्टॉल मत करो, क्योंकि MIUI के साथ जो हिस्ट्री है अपडेट के साथ इतना बढ़िया नहीं है, बहुत सारी जो है पर इशू देखने को मिल रहा है। तो नया अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले एटलीस्ट 1 month वेट कर लो, जब कोई रिव्यू आ जाएगा तो आप जो है उसके बाद जो है रिव्यू को देख के नया अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं पर्सनली जो चीज फॉलो करता हूँ, नया अपडेट को जो है जल्दी से इंस्टॉल नहीं करता हूँ, एटलीस्ट यहाँ पर थ्री मंथ जो है वेट करते हो, उसके बाद ही नया अपडेट को हम इंस्टॉल करते हैं अपने डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर नया अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीज आपको ध्यान में रखना होगा। नया अपडेट के साथ जो है यहाँ पर आपको फैक्ट्री रिसेट करना जरूरी है। फैक्ट्री रिसेट करते ही आपके डिवाइस के ऊपर जो लैग है, परफॉर्मेंस इशू है, बैटरी ड्रेन इशू है, फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। एंड सभी एप्लीकेशन को जो है प्ले स्टोर से एक बार अपडेट कर सकते हो, प्लस क्लियर कैश एंड क्लियर डेटा भी कट पाओगे। बाय द वे यहाँ पर हमने जो है रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर हाइपरओएस का जो Xiaomi U का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है, हाइपरओएस 1.0.2.0 स्टेबल बिल्ड है। इस रॉम का जो है इंस्टॉलेशन वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस ये जो रॉम है, इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रॉम को डाउनलोड कर सकते हो, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स डिवाइस के लिए। तो यहाँ पर जो है ये जो अपडेट का जो इशू है सिर्फ और सिर्फ Xiaomi के साथ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है पास्ट में हमने यहाँ पर एप्पल के साथ भी, आईफोन के साथ भी इशू को नोटिस किया है, सैमसंग के साथ भी देखने को मिलता है, इवन रियलमी के साथ भी देखने को मिल गया है, अलग अलग कंपनी के साथ इस तरह की जो है इशू देखने को मिलता है। इसका मतलब नहीं है आपको अपडेट नहीं करना चाहिए, अपडेट करो बट थोड़ा सा वेट कर लो, एटलीस्ट 1 month वेट करो। 1 month वेट करने के बाद आपको जो है नया नया अपडेट के रिलेटेड जो है रिव्यूज देखने को मिल जाएगा, उसके बाद जो है आप अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं पर्सनली एटलीस्ट 3 महीने वेट करता हूँ, 3 month वेट करता हूँ, उसके बाद ही नया अपडेट को इंस्टॉल करता हूँ। एंड डेफिनेटली यहाँ पर नया अपडेट के साथ आपको नया फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि सही है, प्लस लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल सकता है। तो आपको डेफिनेटली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। अभी फिलहाल जितने भी रिपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, कोई भी यहाँ पर हाइपरओएस के साथ मेजर इशू जो है यहाँ पर नोटिस नहीं किया गया है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है पर बैटरी ड्रेन और परफॉर्मेंस के रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट डेटा करोगे और जो है फैक्ट्री रिसेट करोगे, तो ये जो बैटरी ड्रेन का जो इशू है और जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस के रिलेटेड जो इशू है, फिक्स हो जाना चाहिए। तो अगर आपके डिवाइस के लिए हाइपरओएस का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है, तो लगभग जो है यहाँ पर 1 महीने वेट करने के बाद जो रिव्यू है, रिव्यू को अच्छे से जो है देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद जो आप नया अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर कोई भी मेजर इशू नहीं है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अपडेट आते ही अपडेट को इंस्टॉल मत करो, एटलीस्ट 1 महीने वेट करो, एंड रिव्यू को लिए जो है वेट कर सकते हो। आपके डिवाइस के लिए अलग से क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या क्या फीचर्स जो है यहाँ पर बढ़िया काम कर रहा है, इसके बारे में आपको अलग से जो है गूगल और यूट्यूब में सर्च करके देखना होगा। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो MIUI 14 से हाइपरओएस आया है रिसेंटली, जो है हाइपरओएस के साथ जो है हमारे इश्यूज के दौरान एनिमेशन काफी स्मूथ हो गया है। यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो लैग था, कम्प्लीटली यहाँ पर जो है फिक्स हो गया है, काफी स्मूथ UI है। यहाँ पर थोड़ा बहुत रैम मैनेजमेंट के साथ भी हमने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट को नोटिस किया है। बाकी यहाँ पर हाइपरओएस के साथ जो है BGMI का जो है डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू अपलोड किया है, रेडमी नोट 10 प्रो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड हाइपरओएस के साथ जो है MIUI 14 का बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल है, कुछ फीचर्स यहाँ पर रिमूव भी हो गया है। एंड यहाँ पर फिलहाल बैटरी बैकअप एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर
फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो हाइपरओएस को इंस्टॉल करने के बाद। हाइपरओएस क्यों, कोई भी नया अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद एप्पल, सैमसंग, रियलमी, रेडमी, पोको सभी फोन में नया अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई इशू देखने को मिल रहा है, सिंपली एक बार फैक्ट्री रिसेट करके देखो, ये जो इशू है डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।